हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई, उसको डिस्कस करने वाले हम लोग इसमें। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 दोस्तों, डायरेक्टली सिलेबस से लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। 2017 के अंदर यहाँ से सवाल आया था। ये रिपोर्ट कौन निकालता दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया रिलेटेड की पॉइंट्स और की एनालिसिस जो दिया गया है, जो कि एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, हम पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों। वीडियो आप एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया गया है वीडियो के अंदर। सबसे पहले इस रिपोर्ट ने बोला दोस्तों, हमारे देश भारत में टोटल $64 बिलियन FDI 2020 के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा भारत देश का पांचवा स्थान है इन्फ्लोज के अंदर, FDI इन्फ्लोज के अंदर पांचवा स्थान हमारे देश भारत का। रिपोर्ट ने बोला हमारा देश का जो इकोनॉमी है, कोविड की वजह से इम्पैक्ट है, लेकिन फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हम ऑप्टिमिज्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियम टर्म में। और ग्लोबल लेवल पे बात करें ना फ्रेंड्स, तो इस रिपोर्ट ने बोला कि 35% FDI में प्लंज हुआ दोस्तों, यानी कि पहले 1.5 ट्रिलियन USD था, अब 1 ट्रिलियन USD रह गया ग्लोबल FDI। अब अपन बात करते हैं अपने इंडिया से रिलेटेड जो की पॉइंट्स है। सबसे पहले हाईलाइट जो मैंने किया है दोस्तों, लास्ट ईयर जो है, इस लास्ट ईयर कंपैरिजन में 27% का इंक्रीज हुआ है, 27% का इंक्रीज हुआ है। 2019 में $51 बिलियन था और अभी $64 बिलियन हो चुका है दोस्तों, 27% का इंक्रीज है। सबसे ज्यादा हम लोग बात करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आया दोस्तों, और इस पर्टिकुलर फील्ड ने हमारे देश को पांचवा स्थान ग्रहण करवाया है। सबसे हम अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो मेगा एक्विजिशन हुआ था ICT इंडस्ट्री के अंदर, वो था दोस्तों अमेजन जो है, उसने इन्वेस्टमेंट किया हमारे देश में ICT पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा बूस्ट मिला हमारे FDI इनफ्लोज को। साथ में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने बोला है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, जो मेन डेस्टिनेशन दोस्तों महाराष्ट्र, ये इसमें बोला गया कि जो क्लस्टर हमारा मुंबई पुणे नासिक औरंगाबाद, ये जो कि ऑटोमोटिव क्लस्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हुआ दोस्तों, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम आया है। साथ में इन्होंने बोला दूसरा क्लस्टर हमारा जो कर्नाटका में टेक्नोलॉजी का हब है बेंगलुरु टेकअप, उसके अंदर भी दोस्तों लॉकडाउन से काफी ज्यादा जो प्रोडक्शन डिस्टरप्ट हुआ है और इन्वेस्टमेंट भी डिले हुआ है इसके अंदर। दोनों क्लस्टर के बारे में बात की गई इस रिपोर्ट में कि दोनों एक मेजर और मेगा ड्राइवर थे FDI के, दोनों ही काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से। साथ में इस रिपोर्ट ने बोला है दोस्तों कि हमारे देश भारत का जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि एक बहुत ही प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, ये काफी ज्यादा टाइम लेने वाला रिकवरी करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है, एक पर्टिकुलर स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दोस्तों, इसने बोला कि ये पर्टिकुलर काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है जल्दी रिकवरी के अंदर। दोस्तों ब्लैंक देके पूछा जा सकता है भाई कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं, स्कीम के फीचर्स पूछे जा सकते हैं, ऐसे कैसे पैसे उठा के, तो पर्टिकुलरली इसने बढ़ाई किया इन अंकटाड की रिपोर्ट ने दोस्तों, कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दोस्तों जो FDIs है और साथ में जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स है प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर, ऑटोमोटिव बोले आप, इलेक्ट्रॉनिक्स बोले, ये सब के अंदर जो हमारा रिबाउंड इन्वेस्टमेंट काफी जल्दी मतलब वापस से इसको ट्रैक पर लाने की कोशिश करेगी पर्टिकुलर स्कीम कोरोना वायरस की वजह जो इम्पैक्ट हुआ उसके बाद। साथ में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज इन 2021, यानी कि जो हमारे इंडिया से इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबलाइजेशन होंगे। इसके दो कारण इन लोगों ने बात करी गई है, एक तो जो हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जो साइन हो रहा है, जिनके ऊपर बातें चल रही, डिस्कशन हो रहे हैं वो, और दूसरा हम लोग का जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है ना दोस्तों अफ्रीका में, दोनों ही चीजों की वजह से बोला कि FDI जो हमारे इंडिया से जो जाता है वो स्टेबलाइज होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आई थिंक दोस्तों अपन ने जो भी इस रिपोर्ट के की पॉइंट्स थे सब डिस्कस कर लिए, इंडिया रिलेटेड जो एनालिसिस दिया था वो भी डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, आप चैनल को सपोर्ट करते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे दोस्तों।